दोस्तों मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय कुमार के आने वाली फिल्म सूर्यवंशी, बेल बॉटम और बच्चन पांडे को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट तो है बच्चन पांडे को लेकर। जैसे कि आप सब जानते हो कि अक्षय कुमार की इस साल की लास्ट फिल्म बच्चन पांडे, जो कि क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फराज सामजी, जो इससे पहले अक्षय कुमार के साथ में हाउसफुल 4 और हाउसफुल 3 और एंटरटेनमेंट जैसी 3 फिल्में बना चुके हैं। तो दोस्तों अभी पिछले दिनों सलमान खान की एक फिल्म अनाउंस हुई है, कभी ईद कभी दिवाली, उस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं फरहाद सामजी। उसके बाद कुछ अफवाहें उड़ने लगी कि यहां पे बच्चन पांडे जो फिल्म है उसी का नाम चेंज करके इस फिल्म में अब सलमान खान को लिया जा रहा है और अक्षय कुमार ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये सारी खबरें झूठी है। साथ ही साथ कुछ अफवाह ये भी आ रही है कि बच्चन पांडे जो फिल्म है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है और फिल्म के डायरेक्टर फराज सामजी अब सलमान खान की फिल्म्स में काम करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कुछ अपडेट आ चुकी है कि पहले बच्चन पांडे कंप्लीट करेंगे फराज सामजी अक्षय कुमार के साथ, उसके बाद में सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में लग जाएंगी। तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि बच्चन पांडे बनेगी या नहीं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि भैया बच्चन पांडे जरूर बनेगी। वही दोस्तों अगली अपडेट है अक्षय कुमार की 2021 में आने वाली फिल्म बेल बॉटम को लेकर। जी हां दोस्तों, निखिल अडवाणी के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म बेल बॉटम, जिस फिल्म को शायद जेके भगनानी भी को-प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने 100 करोड़ की फीस ली थी। दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये आ गई है कि इस फिल्म की लीडिंग लेडी फाइनल कर दी गई है। जी हां दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आएंगे मृणाल ठाकुर, जिन्हें हम इससे पहले जॉन अब्राहम के साथ बाटला हाउस और ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 में देख चुके हैं। इसके अलावा एक टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में भी शायद इन्होंने बुलबुल का कैरेक्टर प्ले किया है। तो दोस्तों यहां पे लीडिंग लेडीज तो फाइनल हो गई है बेल बॉटम की। अब देखते हैं फिल्म के सपोर्टिंग स्टार कास्ट में और कौन-कौन होता है। वही दोस्तों अभी बीच में कुछ अफवाहें और निकल रही है कि अक्षय कुमार बहुत ही जल्द आनंद एल राय के साथ में भी एक फिल्म बनाने वाले हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें आनंद एल राय, जो कि धनुष साउथ वाले धनुष और सारा अली खान के साथ में एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म के लिए उन्होंने पहले ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद इस फिल्म के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया, उन्होंने भी इस रोल के लिए मना कर दिया है। लेकिन अभी कुछ अफवाह ये उड़ रही कि यहाँ पे इस फिल्म के अंदर, यानी कि आनंद एल राय की, जिसमें धनुष और सारा अली खान है, इस फिल्म में अक्षय कुमार एक कैमियो करते नजर आएंगे। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन अफवाह निकल रही। तो अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वही दोस्तों अगली अपडेट है अक्षय कुमार की 2020 के पहली रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी को लेकर। जी हां दोस्तों, कोप यूनिवर्स का तीसरा पार्ट सूर्यवंशी, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, फिल्म में अक्षय कुमार के साथ में है कैटरीना कैफ, साथ ही साथ इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर बाबा भी नजर आएंगे। दोस्तों फिल्म रिलीज होने वाली है 27 मार्च को और फिल्म को रिलीज होने में अब 71 दिन का समय बचा है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो प्रमोशन है वो चालू होने वाला। जी हां दोस्तों अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई लेकिन कुछ अफवाहें आ रही है कि यहां पे जो सूर्यवंशी का टीजर है वो 26 जनवरी को आ सकता है। कन्फर्म नहीं आएगा लेकिन कुछ बातें चल रही कि 26 जनवरी को सूर्यवंशी का टीजर आ सकता है। वही इस फिल्म का ट्रेलर हमें फरवरी के चौथे हफ्ते में, यानी फरवरी के लास्ट हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ट्रेलर तो कन्फर्म है कि फरवरी के लास्ट वीक में आएगा, लेकिन टीजर 26 जनवरी को आता है या नहीं ये अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन कुछ खबरें आई तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। वैसे दोस्तों सूर्यवंशी से जुड़ी अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको पहली फुर्सत में बता दूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।